हेलो एवरी वन वी लर्न चैप्टर नंबर फाइव एंड द चैप्टर नेम इज़ शेप्स एंड डिजाइंस सो नाउ इन दिस चैप्टर टुडे वी लर्न अबाउट शेप्स एंड डिजाइंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हाउ टू मेक अ क्लैपर सो स्टूडेंट्स ये एक एक्टिविटी है तो ये आप इन स्टेप्स को फॉलो करके क्लैपर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर सो कम टू द नेक्स्ट पेज and in the next page we learn have fun with shapes आपको यहाँ पे कुछ shapes दिए हैं और आपको उनमें colors करने हैं ठीक है थीके? तो color the clown following the directions given below आपको जो यहाँ पे shapes दिए हैं और बताया गया है कि हमें उन shapes में कौन कौन से color करने हैं तो first we have a triangles now जितने भी ट्राइंगल्स हैं हमें उनमें कौन सा कलर करना है रेड स्क्वायर्स हैं तो उसमें कौन सा कलर करना है येलो रेक्टेंगल्स हैं तो उसमें कौन सा कलर करना है ब्लू एंड सर्कल्स हैं तो हमें इसमें कौन सा कलर करना है ग्रीन तो यहाँ पे आपको क्या करना है ट्राइंगल्स स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स सर्कल्स इनको आइडेंटिफाई करना है ठीक है तो फर्स्ट एज वी नो डैट दिस इज़ अ ट्रायंगल जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन होते हैं जिसकी थ्री साइड्स होती हैं है ना देखिए वन टू थ्री एंड जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं वो कौन से होते हैं स्क्वायर्स कौन से हैं देखिए ये जो है ये हमारा क्या है एक स्क्वायर है इसकी क्या होती है इसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं ठीक है जीके? और जो रेक्टेंगल होता है उसमें भी क्या होती हैं उसमें फ़ोर साइड्स होती हैं बट इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ठीक है एंड नाउ दिस इज अ सर्कल सो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं शेप्स और उनमें क्या करना है कलर करना है ठीक है तो इसमें आप कलर कर सकते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स अब आपको बताना है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं सो हमें इसे काउंट करना होगा सो फर्स्ट काउंट दिस फिगर ओके नाउ हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये तो हो गए हमारे एट ट्राइंगल्स और कौन कौन से ट्राइंगल हैं यहाँ पर और कौन से बन रहे हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक बन रहा है हमारे पास नाइन टेन

इलेवन ट्वेल्व एंड और भी कोई ट्राइंगल्स हैं फाइंड आउट कीजिए और एक ये है थर्टीन तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं थर्टीन ओके नाउ okay? आपको इस फिगर में भी ऐसे ही ट्राइंगल्स काउंट करने हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं ओके okay? फाइंड द बिगेस्ट रैक्टेंगल इन द फिगर्स गिव इन बेलो आपको यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं इसमें आपको बिगेस्ट ट्राइंगल फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं ठीक है ठीके? तो फर्स्ट जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है ठीक है तो इसमें सबसे बड़े ट्राइंगल उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया उन्होंने यहाँ पे जितने स्क्वायर से काउंट करते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तो इस रेक्टेंगल में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं थर्टी सिक्स आप बोलेंगे कि हम इस रेक्टेंगल्स यहां से भी बना सकते हैं देखिए हम इसी शेप का यूज करके एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं लाइक दिस बट लेकिन देखिए इसमें कितने स्क्वायर्स तो आ रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बट इसमें तो ट्वेल्व ही आ रहे हैं हमें हाँ क्या बोला क्या है सबसे बड़ा ट्रायंगल हमें इस फिगर में ढूंढना है तो बड़ा कौन सा हो गया ये हमारा हो गया सबसे बड़ा ठीक है नाउ ऐसे ही आपको सेम नेक्स्ट फिगर में करना है तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दी है वो है के वाली तो हम इस सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो कहाँ से बनेगा बड़ा ये है रेक्टेंगल बन सकता है हमारा तो हम इसमें ऐसे टिक कर लेंगे ठीक है ऐसे ड्रॉ कर लेंगे नाउ नेक्स्ट ऐसे ही आपको एक और फिगर दी है इसमें भी आपको एक बिगेस्ट रैक्टेंगल ढूँढना है तो बिगेस्ट कैसे बन सकता है वो यहाँ से ठीक है आप इसे ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे ही आपको इस फिगर में भी फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा रैक्टेंगल कौन सा है ओके okay? तो इसे आप देख लेंगे नेक्स्ट है एजेस एंड कॉर्नर्स मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन अ प्लेइंग अ गेम मिता और उसके फाइव फ्रेंड्स क्या कर रहे थे वो एक गेम खेल रहे थे टिंकू वाज ब्लाइंडफोल्डेड एंड आस्क टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही वेल, द अदर्स वुड मूव अराउंड द टेबल सो टिंकू कहता है क्या करता है वो अब टिंकू के क्या कर देते हैं आइज में क्या, कर देते हैं, क्या करते हैं एक पट्टी बांध देते हैं ठीक है और सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लैपिंग करते हैं और वो टेबल के अराउंड अराउंड घूमते हैं ठीक है तो टिंकू इस गेम में क्या था द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग एवरीबॉडी वुड स्टॉप एवरीवेयर सॉरी वेयर दे वर तो यहाँ पे इस क्लैप इस गेम में बोला गया था कि टिंकू के आइज़ में पट्टी बांधी गई थी और टिंकू क्या करेगा क्लैप करेगा जैसे ही टिंकू क्लैप करना स्टॉप करेगा तो जो भी इस टेबल के आगे पीछे भाग रहे हैं वो अपनी जगह में ही खड़े हो जाएंगे ठीक है तो ये एक गेम बताया गया था द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट जो भी चाइल्ड बच्चा अगर उस टेबल के कॉर्नर्स में नहीं होगा तो वो आउट हो जाएगा देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड देन उसका क्या हुआ आइज में पट्टी बांध दी गई तो ये गेम स्टार्ट होता है और उस गेम में फ्रेंड्स कौन कौन है छोटू गुड्डू बंटी टिंकू मीता एंड राजा सो so, तो देखिए बच्चों एजेस एंड कॉर्नर्स क्या होते हैं तो एजेस एंड कॉर्नर्स एजेस तो होती हैं जैसे हमारी टेबल है इसे कितनी साइड्स हैं फोर ठीक है Four, और इसके कितनी कॉर्नर्स हैं तो पहले हम देखते हैं एजेस क्या होती हैं ये जो लाइंस हैं हमारी ये साइड्स ये क्या होती हैं इसकी एजेस, ठीक है और कॉर्नर्स क्या होते हैं कॉर्नर्स मीन्स होते हैं इसका कोना जहाँ पे टू लाइंस जॉइन हो रहे हैं ठीक है तो ये क्या हो गया इसकी कोने मतलब कॉर्नर तो कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पर फोर एंड कितनी एजेस हैं वो भी हैं हम पे फोर तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है लुक एट द पिक्चर गिवेन बेलो गिवेन अबव कैन यू टेल हु इज आउट आपको इस पिक्चर को देखना है आपको बताना है कि इस गेम में कौन आउट हुआ है तो कॉर्नर बोला गया था तो कॉर्नर में कौन नहीं है कॉर्नर क्या होते हैं हमारे इस फिगर के कोने है ना तो कौन इस फिगर के कोने में नहीं है वो कौन है गुड्डू तो देखिए गुड्डू कहाँ है वो मिड में है वो बीच में है वो कॉर्नर में नहीं है तो इस गेम में कौन आउट हुआ वो हुआ है गुड्डू तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुड्डू ठीक है नाउ नेक्स्ट वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग गुड्डू है वो कहाँ खड़ा हुआ है गुड्डू कहाँ खड़ा है छोटू एंड बंटी के बीच में बिटवीन छोटू एंड बंटी ओके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिटवीन छोटू एंड बंटी नेक्स्ट कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड राउंड टेबल वाई आपसे पूछा गया है क्या यही गेम हम लोग राउंड टेबल के आसपास खेल सकते हैं अब राउंड टेबल कैसा होता है राउंड सर्कल होता है ना? तो क्या हम ये गेम राउंड टेबल में खेल सकते हैं नो no. क्यों नहीं खेल सकते हैं बिकॉज़ जो हमारा राउंड टेबल है उसमें कोई भी एजेस नहीं है और ना ही इसमें कोई कॉर्नर है है ना तो इसीलिए हम ये राउंड टेबल में नहीं खेल सकते तो इससे हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन इसकी कॉर्नर में है है ना तो इस वजह से ये गेम हम, हम क्या सर्कल टेबल पे नहीं खेल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो ठीक है नेक्स्ट है मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसकी एजेस कैसी होती हैं स्ट्रेट तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक बुक दी हुई है है ना और जो इसकी लाइंस है ये क्या हो गई इसकी एजेस ठीक है तो हम लोग बहुत सारी अपने आसपास ऐसी चीजें देखते हैं जस्ट लाइक चेयर अब चेयर में देखिए ये एक लाइन जो है ये क्या होगी हमारी एजेस हो गई फिर एक ये लाइन होगी ये भी एजेस हो गई ये जो लाइन है वो भी एजेस हो गई है ना तो ये क्या होती है हमारी एजेस ऐसे ही हम लोग काइट में देखते हैं काइट में जो इसके साइड्स होती हैं ये क्या हो गई इसकी एजेस हो गई है तो ऐसे पिक्चर्स हम अपने आस देखते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट अदर थिंग्स हैव कवर्ड एजेस और कुछ हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनकी एजेस कैसी होती हैं वो कवर्ड होती हैं मीन्स वो राउंड शेप में होती हैं एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है व्हील दिया हुआ ना? है ना व्हील जो पहिए होते हैं गाड़ी के वो कैसे होते हैं लाइक दिस इसी शेप के होते हैं सो लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई दीज वर्ड दीज थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व एजेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं उन एजेस को उन फिगर्स को जो कैसी होती हैं कर्व्ड होती हैं और उसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं पेंसिल जो पेंसिल होती है तो देखिए जो पेंसिल है वो किस शेप में होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है हमें है ना तो इसकी जो ये देखिए ये क्या होगी हमारी कर्व्ड एजेस और जो इसमें ये लाइंस है वो क्या होगी स्ट्रेट लाइंस है ना तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास पेंसिल एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं हॉकी ड्रॉ करने वाले हैं अब हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं हॉकी स्टिक तो हॉकी स्टिक ड्रॉ करते हैं अब हॉकी स्टिक कैसी होती है जैसे कि आपने देखा होगा जो हॉकी स्टिक्स होती है वो कुछ इस शेप में होती है देखिए जो ये है वो उसका कैसा होता है राउंड में एंड ये क्या होती है स्ट्रेट है ना तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेंसिल एंड हॉकी स्टिक नेक्स्ट है डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स नाउ सो इसका आंसर हो जाएगा येस yes. जितनी भी स्ट्रेट एजेस हैं उनकी कॉर्नर्स भी जरूर होंगी है ना डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स सो आंसर हो जाएगा नो no. क्या जो हमारी कर्व्ड एजेस होती हैं क्या उनकी कॉर्नर्स होती हैं नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका नो नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजिस आपको ऐसे थिंग्स की नेम फाइंड आउट करने हैं जिनकी जो वो स्ट्रेट होती हैं और उसकी उनकी कर्व्ड एजेस होती हों तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट ए पॉइंट में भी किया हुआ है है ना तो इसमें हमने लिखा था पेंसिल्स हॉकी स्टिक तो यहाँ पे आप लाइक अ व्हील वो भी लिख सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर अब यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी दी गई है और हमें उसके लिए क्या करना है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेना है इट्स कॉर्नर्स और हमें उसकी कॉर्नर्स काउंट करने हैं नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर ठीक है तो हमें क्या करना है उसका एक कॉर्नर फोल्ड कर देना है जैसे इस पिक्चर में हमने एक कॉर्नर को फोल्ड किया हुआ है ए पॉइंट हाउ मैनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ नाउ अब इस पेपर के कितने कॉर्नर्स हो गए हैं काउंट करते हैं देखिए इसके कितने कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स क्या होते हैं जहाँ पे हमारी एजेस एक दूसरे से मिलती हैं है ना ज्वाइंट हो रही हैं तो देखिए यहाँ पे कितने कॉर्नर्स uh, हैं टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गैट बाय फोल्डिंग अब आपको कितने कॉर्नर्स मिलेंगे अगर आप उसमें क्या करेंगे टू कॉर्नर्स बनाएंगे तो तो चलिए अभी यहाँ पे हमने एक कॉर्नर बनाया है ना एक तरफ से हमने फोल्ड किया है अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट साइड से इसे फोल्ड किया जाए तो इसके कितने कॉर्नर्स होंगे जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा जो ये वाला साइड है वो यहाँ से हट जाएगा जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है तो अब काउंट करते हैं इसमें कितने कॉर्नर्स हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा एट कॉर्नर्स ऐसे ही आपको थ्री साइड से इसे फोल्ड करना है तो चलिए यहाँ से हमने इसे फोल्ड किया तो अब कितने इसके कॉर्नर्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर फिर हो जाएगा हम पे सेवन एट नाइन और यहाँ से हो जाएगा हमारा टेन तो थर्ड वाले में हो जाएगा टेन ना ऐसे ही आपको अब इसे फोल्ड करना है फोर साइड से वन यहाँ पे हुआ था टू हमने यहाँ पे फोल्ड किया है हमें चारों तरफ से इसे ऐसे फोल्ड करना है तो अब हमें बताना है कि इसमें कितने कॉर्नर बन गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो आंसर हो जाएगा ट्वेल्व ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे इट हैज़ ओनली थ्री कॉर्नर्स क्या आप इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि इसके कितने कॉर्नर्स बने ओनली थ्री कॉर्नर्स तो यस हम उसे फोल्ड कर सकते हैं तो देखिए थ्री साइड्स की हमारी कौन सी शेप होती है वो होती है हमारे पास ट्रायंगल होती है ना तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ठीक है ये पेपर है अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो हमने इसे यहाँ से ऐसे से फ़ोल्ड कर लिया ठीक है तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर जाके फोल्ड हो गया है ठीक है तो ये कौन सी शेप बन गई हमारी जब हमने इसे फोल्ड किया तो इसकी शेप कैसी हो गई इसकी शेप होगी ऐसे ठीक है तो ये क्या बन रहा है ट्राइंगल देखिए कितने कॉर्नर्स हो गए वन टू एंड थ्री है ना तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ओके नाउ नेक्स्ट यू अब नेक्स्ट है व्हाट शेप विल यू गेट तो आपने कौन सी शेप गेट करी वो है हमारे पास ट्राइंगल नेक्स्ट फोर्थ रिपीट द एक्टिविटी विद अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर आपको यही एक्टिविटी एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर के साथ भी रिपीट करनी है ओके तो हमने एक स्क्वायर शीट के एक पेपर लिया है स्क्वायर शेप में अगर हम इसी को यहाँ पर रिपीट करते हैं और इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये भी क्या बन गया है ट्राइंगल बन रहा है ठीक है तो ये एक्टिविटी आपको करनी है नेक्स्ट है कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे डेट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन अनचेंज क्या आप एक स्क्वायर शीट पेपर को फोल्ड करके उसमें क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स बना सकते हैं Yes. तो देखिए ये हमारे पास है कि स्क्वायर शीट है ओके हमने क्या किया इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है ऊपर से, से नीचे okay? Then, इसे नीचे फोल्ड किया ओके दैन जब ने इसे फोल्ड किया तो ये कैसा हो गया पेज ऐसे अब हम इसको फोल्ड करेंगे लाइक like? तो हम इसको ऐसे में फोल्ड करेंगे तो हमने जब इसे ऐसे फोल्ड किया तो अभी भी क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है तो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स हमारे बन चुके हैं तो वन टू थ्री फोर देखिए तो बहुत सारे कॉर्नर्स बन रहे हैं ठीक है ठीके? तो हम इसे कर सकते हैं नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टेक द नेम्स ऑफ थिंग्स डेट हैव कॉर्नर्स ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ दैम तो आपको क्या करना है इमेजिन करना है फिगर को जो यहाँ पे आपको नेम दी गई है ठीक है तो आपको उसमें बताना है उसमें कितने कॉर्नर्स हैं कितनी, है, कितनी एजेस होती हैं ये आपको बताने हैं तो जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है डाई ठीक है जैसे आप लोग लोगों लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस दिया जाता है दिया जाता तो है ना डाइस तो इसके कॉर्नर्स होते हैं येस होते हैं देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो रही है तो क्या इसमें कॉर्नर है येस वन टू तो इसमें बहुत सारे कॉर्नर्स हैं तो अब इसमें बोला गया है नंबर ऑफ़ एजेस हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एजेस होंगी तो हमें इसकी साइड्स काउंट करनी होंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है बट इसके पीछे के साइड से भी होंगी ना जो कि इस साइड से ऐसी दिख रही है तो ये भी ऐसी होगी नाइन फिर ऐसे टेन एलेवन ट्वेल्व तो इसकी कितनी एजेस हो रही हैं ट्वेल्व तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वेल्व ओके okay. तो एक बार आपसे डाइस को घर पे देखिएगा और इसकी साइड्स को काउंट कीजिएगा नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर नेक्स्ट बॉल अब बॉल कैसी होती है बॉल जो होती है वो राउंड शेप में होती है क्या उसकी कोई कॉर्नर होती है नो no. ठीक है जब कॉर्नर ही नहीं होगी तो एजेस भी नहीं होगी है ना और नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी नहीं होंगी नेक्स्ट है इरेजर अब इरेजर जो है वो हमारे किस शेप में होता है क्यों की शेप में होता है ना तो जैसे लाइक like मान लीजिए ये क्या है एक इरेजर है ठीक है ये आपका एक इरेजर है ओके क्या इसकी कॉर्नर्स होंगे येस देखिए यहाँ पे टू लाइन ज्वाइंट हो रही है तो इसकी कॉर्नर्स होंगी इसकी एजेस भी होंगी और इसकी नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स भी होंगे तो पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस नंबर ऑफ़ एजेस कितनी होंगी तो हमें क्या करना होगा एक इरेजर लेना है उसकी जितनी भी साइड्स उनको काउंट करेंगे ठीक है तो एजेस पता चल जाएंगी तो एक इरेजर की एजेस होती हैं ट्वेल्व ओके और उसके कॉर्नर कितने हो जाएंगे तो वो भी आप देखेंगे तो वो हो जाएंगे एट नाउ नेक्स्ट एग अब एग की कोई क्या नहीं होती है उसमें वो कैसी होती है उसकी कोई कॉर्नर नहीं होती है वो कैसे शेप की होती है वो सर्कुलर शेप की होती है सर्कल शेप की तो आंसर जाएगा नो ओके नाउ नेक्स्ट शीट ऑफ पेपर एक शीट है उसके क्या कॉर्नर्स होंगे यस देखिए दिस इज अ शीट ऑफ पेपर तो इसकी कॉर्नर्स हैं वन टू थ्री फोर यस है ठीक है और इसके कितनी एजेस हैं वन टू थ्री फोर एजेस है One, two, three, four तो हम लिखेंगे फोर एंड इसके कितने कॉर्नर्स हैं वो जाएंगे हमारे पास फोर ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस आपको बोला गया है आप कौन फिगर्स में टिक करने हैं जिनकी क्या होंगी कर्व लाइंस होंगी तो देखिए यहाँ पे हम पे फिगर है इसमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें कर्व लाइन भी है कर्व कैसी होती है जो घुमी हुई होती है ना तो यस इसमें आप टिक कर लेंगे नाउ नेक्स्ट इस वाले शेप को देखिए थोड़ा सा कर्व शेप में है है ना तो ये भी जाएगी टिक ठेक. ठीक है तो देखिए इस वाले शेप में कर्व तो है बट लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है है ना तो ये नहीं है एंड इसमें देखिए सारी स्ट्रेट है ये ओवल है ये भी नहीं होगी ठीक है हमें कर्व से बोल स्ट्रेट दोनों ही बोला गया इसमें कर्व नहीं है फिर इसमें स्ट्रेट नहीं है है ना तो ये नहीं होंगे नेक्स्ट है यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइंस कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स क्या आप स्ट्रेट लाइन की हेल्प से एक ऐसी फिगर बना सकते हैं जिसमें कोई भी कॉर्नर्स नहीं होगी सो so, इसका आंसर हो जाएगा नो no. हम इस स्ट्रेट लाइन से कोई भी ऐसी फिगर नहीं बना सकते हैं कि जिसकी कोई भी कॉर्नर्स नहीं होती हैं लेट्स सी देखिए दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ओके नाउ देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो इससे कोई हमारी शेप बन रही है नहीं अगर हम इसे कॉन्टीन्यू करें तो पहले हमें ज्वाइन करना होगा फिर यहाँ से ज्वाइन करना होगा फिर इसे हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये शेप बन रही है और इसमें कॉर्नर भी बन रहे हैं देखो ये वन टू थ्री Four. तो ऐसी कोई शेप नहीं है जो स्ट्रेट लाइन से कॉलर नहीं बनाती हो तो आंसर हो जाएगा नो ओके नाउ द नेक्स्ट पेज नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी लर्न टैन द ट्रैम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल फ्रॉम द पीसेस ऑफ द टेन वी कैन मेक मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स पीपल एंड थिंग्स यहाँ पर आपको क्या दिया है टेन ग्राम दिया हुआ है जो कि हमारा एक क्या है चाइनीज़ पज़ल गेम है ठीक है फ्रॉम द पीसेस ऑफ द टेन ग्राम आपको जो एक टेन ग्रैम दिया हुआ है इसकी पीसेस से आपको कोई शेप्स बनानी है तो इस शेप्स में आपके पास एनिमल्स हो सकते हैं पीपल्स हो सकती हैं कोई भी थिंग्स आपके पास हो सकती हैं एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक द वन ऑफ दिस फिगर कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीसेस दिस सेट ऑफ फाइव पीसेज इज़ कॉल्ड द फाइव पीस टेन ग्राम अब आप अपने बुक के पीछे आपकी बुक के पीछे कुछ आपको शेप्स दिए हुई हैं तो आपको उन्हें ईजीली आराम से कट करना है ठीक है और इस टाइप की जो पर्जल होती हैं जो कटिंग होती है इनको हम कहते हैं फाइव पीस टेन ग्राम यूज दीज फाइव पीसेज टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स और आपको इन फाइव पीसेस जो ग्राम आपको दी हुई है उसकी हेल्प से आपको ऐसी फिगो बनानी है ओके सो स्टूडेंट्स देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ग्राम दिया हुआ है जिसमें आपके पास कितने ट्राइंगल्स हैं वन टू थ्री थ्री आपके पास ट्राइंगल्स हैं वन आपके पास स्क्वायर है एंड वन है आपके पास पैरालेलोग्राम ठीक है तो हमें क्या करना है हमें इस टाइप की शेप आपको बनानी है विद दी हेल्प ऑफ फाइव पीस टेन ग्राम से ओके okay. सो so, यहाँ पे आपको जो वन है तो वन जो है उसका जो ट्राइंगल है वो क्या है बिग है कंपेयर टू टू एंड फाइव तो आप यहाँ पे क्या करेंगे वन नंबर का जो टेन ग्राम है उसे आप इसे इस तरह से रख लेंगे ठीक है फिर आप यहाँ पर स्मॉल ट्राइंगल रख लेंगे और यहाँ पे आप बना लेंगे एक पैरालेलोग्राम ठीक है और यहाँ से आप बना लेंगे ऐसे तो यहाँ पे आपको क्या करना है वन नंबर का ट्राइंगल रखना है ओके यहाँ पे आपको टू नंबर का ट्राइंगल रखना है यहाँ पे आपको फोर नंबर में जो शेप है वो क्या है पैराल वो शेप आपको यहाँ फिट करनी है ठीक है और थ्री नंबर में आपके पास क्या है स्क्वायर एंड फाइव नंबर में आपको यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल रखना है तो इनकी हेल्प से आप ये शेप्स बना सकते हैं तो ये आप बनाएंगे ठीक है तो ये सारे शेप्स आप इन्हीं ट्राइंग्राम से बनाएंगे ओके नाउ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें क्वेश्चन है हाउ मैनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट आपके पास जो सेट दिया गया है फाइव पीसेस ऑफ ग्राम उसमें कितने ट्राइंगल हैं तो कितने ट्राइंगल थे हमारे पास थ्री ट्राइंगल तो आप लिख सकते हैं वी हैव थ्री ट्राइंगल्स ठीक है थ्री ट्राई और क्या पूछा गया है आर ऑल देम इक्वल इन साइज तो सभी के जो साइज है वो इक्वल थे नहीं तो आंसर हो जाएगा नो ओके नाउ यूज़ द टू स्मॉल ट्राइंगल्स इन द ट्रेम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स आपको क्या करना है जो यहाँ पे ट्राइंगल्स शेप्स दी हुई हैं आपको इनसे टू ट्राइंगल्स बनाने हैं ठीक है ठीके? तो देखिए आपके पास ये फर्स्ट स्क्वायर है अगर हम इस स्क्वायर को कुछ ऐसे कट करें तो हमारे टू ट्राइंगल्स बन सकते हैं है ना एंड नाउ इसमें भी आप क्या कर सकते हैं इसको बीच से कट कर दीजिए तो आपके टू ट्राइंगल्स बन सकते हैं और इसमें भी आप इसको ऐसे कट कीजिए आपके भी टू ट्राइंगल्स रहे देखिए वन टू वन टू वन टू है ना तो आप इसे देख सकते हैं विच टू पीसेस ऑफ टेन ग्राम सेट आर इक्वली एग्जैक्टली सेम फाइंड आउट आपको इस टेन ग्राम में कौन सा सा पीस लगा जो दोनों ही सेम हो होग्जेक्टली उसकी तरह दिखता हो तो ऐसा हमारे पास कौन सा टेन ग्राम था वो है टू एंड फाइव दोनों ही एक्जक्टली exactly सेम है है ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू एंड फाइव तो थर्ड वाले का आप कहां हो जाएगा टू सॉरी टू एंड फाइव तो लिख सकते हैं टू एंड फाइव ठीक है टेक पीसेस फोर एंड फाइव फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन ईच अदर पीस तो आपको क्या करना है इन्हीं ट्राइंग से फोर और फाइव पीसेज वाला जो पीस है उसको आपको पिक करना है ठीक है और उससे क्या करनी है कोई एक शेप बनानी है उनको ज्वाइन करके तो यह आप कर सकते हैं फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस तो आपको ये फिगर आपको पेज नंबर सिक्सटी सिक्स में दी गई है उससे आपको इसे मैच करनी है ओके नाउ नेक्स्ट सेवन पीस टेन ग्राम अब आपको जो टेन ग्राम है वो कितने पीसेस दिए हैं सेवन इससे पहले हमें फाइव पीसेस टेन ग्राम दिए गए थे ठीक है तो ये भी आपको फाइव पीस टेन ग्राम की तरह ही सॉल्व करनी है ओके तो ऐसी फिगर्स आप लोग बना लेंगे विद दी हेल्प ऑफ द सेप्स ओके नाउ वेविंग पैटर्न्स अब हम पढ़ने वाले हैं वेविंग पैटर्न्स ठीक है यहाँ पे कुछ आपको शेप्स हैं वो बनी हुई हैं पैटर्न में तो गोलू एंड बीनू वैन टू द मार्केट विद विद्या आंट गोलू एंड बीनू अपनी आंट के साथ गा जाते हैं मार्केट दे सो मैनी रग्स और वो क्या करते हैं बहुत सारी दरीज देखते हैं और उन दरीजों ने क्या फाइंड आउट किया वो कहती हैं नी wow, कलर्स so वो कहते हैं इसमें तो बहुत सारे कलर्स हैं एंड सो मैनी शेप्स और इसमें बहुत सारी शेप्स हैं लाइक सर्कल्स ट्राइंगल्स सीधा पैटर्न्स इसमें बहुत सारी शेप्स हैं और आपको इन पैटर्न्स को देखना चाहिए तो देखिए इस पैटर्न इसमें इन पैटर्न्स को तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है वो क्या बने हुए हैं देखिए यहाँ पे कौन कौन से शेप्स ली गई हैं स्क्वायर है है ना और हमारे पास यहाँ पर एक देखिए ये ट्राइंगल भी दिया हुआ है इसको हमें टू से डिवाइड से कहते देखो ट्राइंगल दिया हुआ है हेक्सागन दिया हुआ है तो यहाँ पे सर्कल भी है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें क्या दिए हुए हैं शेप्स दिए हुए हैं सो विच जोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स आप इस बॉर्डर्स में कौन कौन से शेप्स देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से शेप्स दिख रही हैं यहाँ पे हमें दिख रही है ये कौन सी है सेमी सर्कल है ना हम यहाँ पे, हाँ पे सर्कल है देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्राइंगल तो जो भी आपको शेप दिख रही है बॉर्डर में वो आपको यहाँ पे नेम लिखने तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्कल्स ट्राइंगल्स एक्सेट्रा ओके तो ये सभी हमें शेप्स यहाँ पर दिख रही है नी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न विच वाले कुछ ऐसे शेप्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं इसमें तो यस वो है हमारे पास सर्कल स्क्वायर, ठीक है तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आर द शेप्स मेड ऑफ जो शेप्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइन बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट कि जो शेप्स हैं वो कर्व में भी बनी हुई हैं स्ट्रेट में भी बनी हुई हैं तो हम लगा सकते हैं बोथ लुक एट योर क्लॉथ्स योर मदर्स साड़ीज सॉल्स रग्स एंड मैट्स कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स ड्रॉ देम इन योर नोटबुक नाउ अब आपको बोला गया है कि अपने कपड़े के कपड़ों को देखिए अपनी मम्मा के कपड़ों को देखिए साड़ी सॉल्स दरीज मैट्स इन सबको देखिए इन सब में आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर दिखाई देगा तो जो भी पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है ओके नाउ नेक्स्ट फ्लोर पैटर्न्स नाउ अब आपको यहाँ पे एक फ्लोर पैटर्न दिया हुआ है हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज डिजाइंस क्या आपने कभी ऐसे फ्लोर देखे हैं जिसमें डिजाइन्स बने होते हैं तो हम देखे हैं देख सकते हैं येस डू यू नो हाउ दीज डिज़ाइंस आर मेड क्या आप जानते हैं कि वो डिज़ाइन्स किससे बने होते हैं दीज डिज़ाइंस आर मेड ऑफ कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विद स्मॉल टाइल्स डैट फिट इन टू ई ईच अदर विदाउट एनी गैप्स और जो उन टाइल्स को हम लोग कैसे रखते हैं एक से दूसरे को ज्वाइंट करके बिना किसी गैप के तो जो डिज़ाइंस यहाँ पर बना हुआ है फ्लोर पैटर्न का देखिए इसे ये भी क्या है एक टाइल से बना हुआ है इसमें कोई भी डिफरेंट टाइप की टाइल्स यूज नहीं की गई है एक ही टाइल्स को हमने यूज किया है बट लेकिन हमने एक को हॉरिजेंटल रखा है ठीक है और एक को हमने स्ट्रेट रखा हुआ है ठीक है फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स आपको इस टाइप की जो टाइल्स है यहाँ पे जो शेप दी हुई है इसको देखना है और पता लगाना है कि इसको कैसे फिट किया गया है तो इसे कैसे फिट किया गया है एक टाइल को हमने क्या किया है वर्टिकल में रखा हुआ है और एक को हमने हॉरिजेंटल में ठीक है और एक को यहाँ पे हमने दोबारा से हॉरिजेंटल में फिर यहाँ पे इसको वर्टिकल में ओके नाउ लुक एट दिस टाइल विथ सिक्स साइड्स देखिए जो यहाँ पे एक साइड दी गई है इसकी सिक्स साइड्स है मीन्स यहाँ पे एक टाइल्स दी गई है उसकी सिक्स साइड्स हैं ठीक है ठीके? तो ऐसी साइड्स वाले शेप्स को, को हम क्या कहते हैं ठीक है, है टाइल्स ऑफ दिस सेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप्स तो देख सकते हैं अगर हम इस टाइप की जो टाइल्स अपने फ्लोर में लगाते हैं देखिए इनमें कोई भी गैप नहीं आ रहा है सब एक दूसरे से क्या हुआ है जॉइन हुए हैं ठीक है नाउ अमंग द फॉलोविंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिज़ाइंस डैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर ड्रॉ लाइन्स टू मैच क्या आप लोग जो यहाँ पे डिज़ाइंस दिए हुए हैं फ्लोर के इनको मैच कर सकते हैं इनके पैटर्न से तो चलिए हम इन्हें मैच करते हैं हमारे पास फर्स्ट जो फिगर है वो है ये तो ये फिगर हमारे किससे मैच होती है फाइंड आउट करते हैं कोई ऐसे शेप है जिसमें कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा हो फाइंड आउट कीजिए येस वो है हमारे पास ये तो आप इसे मैच कर सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट आपको ऐसा पैटर्न देखना है तो ये पैटर्न बनता है हमारे इधर ओके और ये जो पैटर्न है वो कहाँ बन रहा है वो बन रहा है इधर और ये ट्राइंगल वाला पैटर्न बन रहा है इधर तो हम इसे मैच कर सकते हैं ठीक है कैन यू ऑल्सो मेक योर आउन टाइल्स क्या आप अपने आप पर अपना कोई टाइल्स लेकर के वो डिज़ाइन बना सकते हैं यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक डैट यू कैन कट आउट ड्रेस एंड कलर आप अपने आप भी ऐसे ही टाइल्स बना सकते हैं ठीक है कट करके उसमें कलर भी कर सकते हैं पैटर्न बना सकते हैं सो नाउ कंप्लीट द फॉलोविंग टिलिंग पैटर्न अब आपको यहाँ पे एक टिलिंग पैटर्न को कंप्लीट करना है तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें एक ट्राइंगल है जो किस कलर का है रेड एंड यहाँ पे एक ट्राइंगल है वो कैसा है लाइट पिंक है ना तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या लिखा है लाइट पिंक फिर यहाँ पे रेड तो एक में क्या क्या triangles है ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं रेक्टेंगल में तो उसको डिवाइड किया गया है अभी यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल था तो हम इसे ऐसे बना लेंगे एक है ना तो एक यहाँ पे बन जाएगा ऐसे एक यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बने हुए हैं तो आपको इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है नाउ नेक्स्ट कंप्लीट दिस पैटर्न इट विद द पैटर्न ऑन पेज सेवेंटी विच ऑल्सो यूज यूज सिक्स वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू अब आपको क्या करना है ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है और इसको मैच करना है पेज नंबर सेवेंटी के पैटर्न से ओके okay? तो इनमें क्या क्या चेंजेस हैं वो आप देख कर बता सकते हैं जो हमारे पास पेज नंबर सेवेंटी में जो पैटर्न दिया है उसमें सिर्फ वन जो है शेप उसका यूज़ किया गया है बट लेकिन इसमें हमारे टू शेप्स का यूज़ किया हुआ है देखिए इसमें हमारे पास हेक्सेगन भी है और हमारे पास ट्रायंगल भी है और उसमें हमारे पास ओनली हेक्सागन है ठीक है तो डिफरेंस बिग डिफरेंस तो हमारे पास यही है नेक्स्ट है खुशबू एंड हरीज लिव इन अ आगरा खुशबू और हरीश कहाँ रहते हैं आगरा में वन डे दे वैन टू सी द ताजमहल तो एक दिन वो कहाँ गए ताजमहल देखने द फ्लोर हैड द पैटर्न शोबिलो और वो वहाँ पर फ्लोर में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखते हैं आई कैन सी टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न सो खुशबू कहती है कि मैंने यहाँ पर टू टाइप्स के पैटर्न जो टाइल्स हैं वो देखे हैं आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज और हरीश कहता है कि यहाँ पर एक ही टाइल्स को यूज़ किया हुआ है वट डू यू थिंक डिस्कस विद योर फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं इस बात को डिस्कस कीजिए तो बताइए यहाँ पे टू टाइप्स के पैटर्न जो टाइल है उनका यूज़ किया गया है वन यहाँ पे ओनली वन जो शेप्स का टाइल है उसी को यूज किया गया है बट हमने एक को वर्टिकली और एक को हॉरिजेंटल वे में लगाया है तो इसमें कौन राइट है वो है हरीश ओके नाउ टेलिंग टाइम द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल यहाँ पे आपको क्या है एक पैटर्न दिया हुआ है ठीक है और वो किससे बनी हुई है स्क्वायर शेप की टाइल से बनी हुई है इन दिस पैटर्न थ्री कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक दिस स्टेप्स अब यहाँ पर जो एक पैटर्न बना हुआ है इसमें थ्री कलर्स का यूज किया गया है एंड वो कलर कौन से हैं ग्रीन औरेंज एंड रेड ठीक है और यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है उसमें टू कलर्स यूज किए गए हैं येलो एंड ब्लू यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक यूर आउन पैटर्नस अब यहाँ पर आप डिफरेंट कलर के कलर को यूज़ करके अपना कोई भी एक पैटर्न बना सकते हैं सो आई हैव सीन अ मिठाई ऑफ दिस शेप तो यहाँ पर कुछ क्या कहता है मैंने इस टाइप की जो आ, शेप है मैंने किस में देखी है मिठाई में देखी है हैव यू सीन दिस सेप इन एनी अदर डिज़ाइन क्या आपने ऐसे जो शेप हैं किसी और डिज़ाइन में देखे हैं just like अ ऑन अ वॉल अ ड्रेस ऑन अ बास्केट अ मैट ठीक है तो हमने ये सभी शेप्स डिफरेंट थिंग्स में देखी हैं नेक्स्ट है ट्रेजर हंट अब यहाँ पे आपको एक ट्रेजर हंट एक पहेली दी हुई है जो कि कौन है फ्रेंकी एंड जूही मम्मी हैज़ हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम फ्रेंकी एंड जूही की मम्मा क्या करती हैं दोनों के लिए एक हिडन गिफ्ट जो है गिफ्ट वो छुपा करके लाती हैं बट शी वॉन्ट्स दैम टू फाइंड आउट थ्रू ट्रेजर हंड उनकी मम्मा चाहती हैं कि जो ये गिफ्ट है, वो हैं वो किसकी हेल्प से ढूंढे, ट्रेजर हंट की हेल्प से सी हैज़ रिटर्न सम इंस्ट्रक्शंस हेयर और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बताती हैं उस गिफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए कैन यू हेल्प जूहे एंड फ्रेंकी इन फाइंडिंग देयर गिफ्ट क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं उनके गिफ्ट ढूंढने में ओके स्टार्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस ट्री तो आपको बताया गया है आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है और ये आपके पास ट्रेजर हंट है ठीक है तो सॉल्व करना है तो इन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है टॉलेस ट्री टॉलेस्ट ट्री मीन्स सबसे बड़ा ट्री तो आप इस पिक्चर में देखिए कितने ट्री हैं यहाँ पे हमें वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे हमें कितने फाइव ट्री दिए हुए हैं और सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है वो है ये तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा यहाँ से ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे हमें उससे आगे बढ़ना है फ्रॉम द सिक्स टाइल टर्न लेफ्ट आपको क्या करना है वहाँ से जो सिक्स टाइल है वहाँ से हमें लेफ्ट मोड़ना है तो यहाँ से सिक्स टाइल कौन सी है यहाँ से वन टू थ्री ये है सिक्स यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है ठीक है अब इससे लेफ्ट जा करके हमें कहाँ जाना है वो हमें जाना है ग्रीन कलर का जो प्लांट है यहाँ पर जाना है तो ग्रीन कलर का प्लांट कहाँ है इधर यहाँ पे जो गर्ल है हमें इसे क्या करना है कलर करना है तो ये बच्चों आप कर सकते हैं आपका होमवर्क के तौर पर आप इसमें तो कलर कीजिए ओके नाउ नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट आपको फोर टाइल से लेफ्ट होना है ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर फॉर द फोर्थ टाइल इज ब्रोकन और आप देखेंगे कि जो है फोर्थ टाइल है वो कैसा है टूटा हुआ है यू विल फाइंड अ बैट एंड बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड डोंट पिक दैम अप जस्ट सर्कल दैम अब यहाँ पर आपको जब आप उसमें कलर कर लेते हैं तो इससे आपको आगे बढ़ना है ठीक है वो कहाँ से मैं लेफ्ट की तरह तो यहाँ से इसको आपको फोर टाइम में जाना है और यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है जो टाइल टूटी हुई है देखिए ये जो ब्रोकन टाइल है यहाँ पर आपके जो सामने क्या है यहाँ पर एक बैट एंड बॉल है तो आपको उसे पिक नहीं करना है क्या करना है उसमें कल सर्कल करना है तो हम इसमें सर्कल करेंगे ठीक है इतना आपको समझ में आया नाउ नेक्स्ट मूव अ हेड एंड टर्न राइट आपको फिर वहाँ से और आगे जाना है और राइट right टर्न लेना है यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री और वहां पे आपको एक मैंगो ट्री मिलेगा अ फ्यू मैंगोव कैन बी सीन ऑन द ट्री हमें कुछ मैंगोज वहां पर दिखाई देंगे कलर इलेवन मैंगो ऑन द ट्री और वहां पे आपको पेड़ में इलेवन मैंगोव में कलर करना है Also draw some grass near the mango tree and start moving again on the pathway aur और आपको क्या करना है उस mango tree ke के आसपास कुछ trees, grass आपको क्या karne है लगाने हैं ड्रॉ करने हैं और उससे आगे आपको बढ़ना है When यू गो स्ट्रेट जब आप आगे जाएंगे यू विल फाइंड अ हाउस तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा एक हाउस मिलेगा ठीक है पहले हम इसे एक्सप्लेन करते हैं आफ्टर देन वी विल फेयर फाइन बिहाइंड द हाउस देर इज़ अ बैग जब आप उससे आगे स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो आपको घर के पीछे एक बैग मिलता है ओपन इट आपको उसे ओपन करना है एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट और आपको वहाँ पर कुछ मिठाई मिलेंगी ओके कैन यू टेल वर्ट देयर मदर हैज़ इन द बैग क्या आप बता सकते हैं कि उसकी मम्मा ने उनके लिए बैग में क्या रखा हुआ है चलिए हम इस ट्रेजर हैंड को सॉल्व करते हैं सो so, अभी तक हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है हमने सॉल्व कर लिया था बैट एंड बॉल अब फिर मम्मा कहती हैं आपको यहाँ से आगे जाना है और इसे आगे के चलते हुए आपको एक मैंगो ट्री मिलेगा यस yes, हमें एक मैंगो ट्री मिला और इसमें आपको 11 मैंगोज में कलर करना है तो यहाँ पे आप कलर करेंगे कलर करने के बाद आपको और आगे जाना है और आपको घर के पीछे एक बैग मिलेगा तो वो बैग ये है जब को बैग मिला है तो आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट मिलेंगी ठीक है तो ये था हमारा ट्रेजर हंट सो so आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड हैव अ गुड डे